करें कि लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट सेशन में आई थिंक हम लोगों ने वही इंटरनल सीएसएस ही देखी थी, है ना। इंटरनल सीएसएस के ही एग्जांपल अपन यहाँ पर फ्रेम कर कर देख रहे थे, है ना। और वो जो एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे थे उसमें मैंने आपको आई थिंक कलर कोड के बारे में बताया था लास्ट सेशन में, है ना। कलर कोड के केस में आपने देखा था कि कैसे क्या यहाँ पर आप बाय द डायरेक्टली बाय कलर नेम दे सकते हो, या फिर आप आरजीबी दे सकते हो, आरजीबीए दे सकते हो, एचएसएल दे सकते हो, एचएसएलए दे सकते हो, है ना। फिर उसके अलावा हेक्साडेसिमल में आप दे सकते हो, है ना। तो ये हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसके अलावा अगर मैं बात करें तो फिर हम लोग आई थिंक यूनिट्स के बारे में देख रहे थे, यूनिट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यूनिट्स के केस में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर पीएक्स दे सकते हो, आप परसेंटेज दे सकते हो, परसेंटेज के अलावा फिर आप यहाँ पर वी एच वी डब्ल्यू दे सकते हो, है ना। फिर आप ई एम आर एम ये भी सारी चीजें आप दे सकते हो, राइट। तो अगर मैं बात करें जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताया था जिसमें आप पी एक्स का कंसेप्ट देख रहे थे, है ना। जिसमें आप पी एक्स के केस में ये ऐसा कुछ आपने जो एग्जाम्पल फ्रेम किया था कि आपके पास में एक डिविजन था, और डिविजन के केस में आपने बोला कि एक आउटर डिव है, एक इनर डिव है। आउटर डिव की विड्थ आपने यहाँ पे पहले सेट करी थी 700, और इनर डिव की विड्थ सेट करी थी आपने 400। तो आउटर डिप के अंदर इनर डिप आपका आ गया था, पर उसमें आपने थोड़ा सा चेंजेस, थोड़े से मॉडिफिकेशन करे, जिसमें आपने इनर डिप या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं आउटर डिप की विड्थ को कर दिया 300, है ना। और उसके बाद में इनर विड्थ जो था वो तो आपका कितना ही था, 400 ही था। तो फिर उस केस में क्या हो रहा था, उस केस में सिंपली आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका जो डिप था, इनर डिप था, वो आपके आउटर डिप से बाहर ही जा रहा था। मतलब वो इनर डिप आपका स्टेटिक ही था, फिक्स ही था, है ना। बाकी जो आउटर डिव जो चेंज हो रहा था उससे अंदर वाले डिव की विड्थ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपने दिया था पीएक्स, बोले तो पिक्सल, और पिक्सल क्या होता है, फिक्स्ड इन साइज होता है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा फिर अपन चलते हैं यहाँ पर अपन परसेंटेज देखते हैं, है ना। परसेंटेज के केस में अगर मुझे यहाँ पे साइज देना हो तो अपन कैसे क्या चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये लास्ट क्लास का एग्जाम्पल था आपका, लास्ट सेशन में आपने जो कवरअप किया था। मैं इसे सेव एज करता हूँ यहाँ पर, और आज का फर्स्ट एग्जांपल अपना है सीएसएस डेमो 19 की फाइल में। और इस केस में अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो आप ध्यान से देखना मैंने यहाँ पर करा क्या है। मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर विड्थ को क्या करा है, 700 पीएक्स लिखा, और यहाँ पर जो विड्थ है इस विड्थ को मैंने कितना कर दिया यहाँ पर, तो इस विड्थ को मैंने कर दिया यहाँ पर 75%। कोई दिक्कत, मैंने ऊपर आउटर डिप जो है उसके विड्थ को 700 पीएक्स ही रखा, और इनर डिप के विड्थ को मैंने कितना रख दिया यहाँ पर, 75%, राइट। अब चलते हैं अपन यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो आपने Alt प्लस F5 को प्रेस किया, वेब ऐप पर आपने एंटर किया है, और अब इस पे यहाँ आने के बाद में अब देखते हैं अपन कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये ओपन हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो आप देखो यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट ना। अगर मैं इसको जूम भी करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये इस टाइप से कुछ देखने को मिल रहा है, जिसमें आउटर डेव है और आउटर डेव के रेस्पेक्ट में इनर डेव आपका कुछ इस अकॉर्डिंगली शो हो रहा है। लेकिन अब अगर अपन बात करें इसमें होगा क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने विड्थ 700 पीएक्स की जगह अब मैंने विड्थ को कितना रख दिया यहाँ पे, 300 पीएक्स। अब 300 पीएक्स रखने पर अब मैं वापस से यहाँ पर आया और मैंने इसे फिर से रिफ्रेश किया, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अभी भी आउटर डिव ही है और इनर डिव ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने आउटर डिव को तो पीएक्स में सेट किया था, लेकिन इनर डिव पर आपने कितना लगा दिया था, परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि आउटर डिव की जितनी भी विड्थ होगी उसका 75%। अब भले ही वो 700 हो, भले ही वो 300 हो, भले ही वो 500 हो, या भले ही वो 1000 क्यों ना हो, तो ये कंसेप्ट क्या आपका कुछ इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर चलता है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, तो ये आपका बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, ये बहुत जगह आपको देखने में मिलेगा, देखने को काम में आएगा, है ना। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा फिर हमने इको यूनिट पढ़ी थी यहाँ पर क्या, हाइट की केस में। हाँ, हाइट की केस में जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप परसेंटेज देते हो तो वो सिर्फ विड्थ पे इम्प्लीमेंट होगा, हाइट पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बट अगर अब आपको हाइट पे इम्प्लीमेंट करना है चीजों को, है ना, कि मैं बोलूंगा क्या हो सकता है कि मैं अपनी हाइट को कम करूं और चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, तो अपन कैसे करेंगे, तो वो अपन देखते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखना, इधर मैंने इसे सेव एस किया, यहाँ पे 19 की जगह मैंने करा है 20, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब मैं करके आ रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये जो एक डिव है ना, मैंने ये तो सब कुछ हटा दिया यहाँ से,
मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक डेव लिया और इस डेव के केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, फिर मैंने सिंपल से सिर्फ एक डेव ही लिखा है ना। और अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने डेव के अंदर है ना क्या दे दी है हाइट। अब मैं हाइट को क्या सेट करूंगा, तो हाइट को मैंने सेट कर दिया यहाँ पर 600 px। और अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट के केस में मैंने वेट को कितना सेट कर दिया, मैंने सेट कर दिया 900 px, राइट। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या सॉलिड, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने करा है css डेमो और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 20। मैंने यहाँ पे ऐसा एंटर किया, मैंने इसे 100% पर देखा तो 100% पर ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब ये हाइट में थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और वेट में तो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है ना। अब एक काम करते हैं, हाइट में अगर मैं थोड़ा सा इसे कम करूँ, मैंने यहाँ पे 450 कर दिया, मैंने सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मुझे कुछ इस टाइप से दिख रहा है, राइट। अभी तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसमें है ना, ये सिर्फ ऐसा फिक्स है, अब ध्यान से देखना। अब मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं इसकी विड्थ को कम कर रहा हूँ तो देखो क्या हुआ यहाँ पर। अब देखो मैंने विड्थ तो कम कर दी, लेकिन आपका जो डेव था वो क्या हो गया, वो स्क्रोलिंग पे चले गया ना। आप देखिए यहाँ पे नीचे बॉटम में आपको स्क्रोल दिख रहा है ना यहाँ पर, ऐसा है ना कि आपका यहाँ पे जो विड्थ थी वो पीएक्स में थी तो वो फिक्स थी, तो वो आपका स्क्रोल पे चले गया। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये हाइट की केस में भी क्या हुआ, यहाँ पर हाइट की केस में भी आपकी जो हाइट थी डिविजन की वो भी कहाँ चले गई, आपके स्क्रोल में चले गई, तो गड़बड़ है। तो फिर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन करेंगे क्या, तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है 100 VH, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है 100 VW, मैंने लिख दिया है 100 VH, और मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पर 100 VW। अब ये 100 VH और 100 VW से होगा क्या बेसिकली, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको कैसा दिख रहा है, कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अभी देखो अब ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना यहाँ पर। अब अपन आते हैं, मैंने कितना लिख दिया है 100 VH लिखा है ना, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है 100 VH और मैंने लिखा है 100 VW, अपन आते हैं इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा इधर से दिख रहा है और ये आपको थोड़ा सा इधर से दिख रहा है ना, ये आपका कहाँ पर है 100% पर आप रख लो इसको, ठीक है। ये देखो इधर से दिख रहा है और ये इधर से दिख रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर वो इधर से ऐसा स्क्रॉल पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि टोटल 100% होता है, अब ये स्क्रॉल बार आ गया है तो उसके पीछे वो थोड़ा सा कंटेंट छुप गया, टोटल आपकी डिवाइस की जो विड्थ होती है, है? हाँ मार्जिन भी बोल सकते हो, मार्जिन भी बोल सकते हो, प्लस आप ऐसा बोलेंगे कि थोड़ा सा ये स्क्रॉल मिल रहा है आपको एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, थोड़ा सा स्लाइटली सा थोड़ा सा अंदर से ले गया है ना। अगर आप इसके विड्थ को यहाँ पर कम कर दो, या आप थोड़ा सा ऐसा लिख लो यहाँ पे कितना कि आप यहाँ पे कर दो 95, और यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया है 95, आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया, तो ये देखो आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट। या फिर आप एक काम ऐसा कर लो कि आप यहाँ पर 99 ही लिख लो, ठीक है। आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने रिफ्रेश किया, तो भी देखो थोड़ा सा बाहर निकल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 97 कर दिया, राइट। अपन आप यहाँ पर आए, ये देखो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है अपने को, है ना, तो अब ध्यान से देखना इधर, है ना। अपन यहाँ पर आए, ठीक है, और अपन कहाँ पर आए, अब यहाँ पर आए, देखना इधर। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, अब मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ। इसके पहले क्या हो रहा था कि वो आपको जो डिविजन था वो कट हो रहा था, लेकिन अब देखो आप यहाँ पर इसके आप विड्थ को कम कर रहे हो, तो देखो विड्थ को कम करते करते वो अभी भी आपको है यहाँ पर, है ना। अब वो थोड़ा सा ऐसा है कि स्क्रोल मिल रहा है, लेकिन वो लाइन दिख रही है ना आपको, लाइन दिख रही ना यहाँ पर, ये है ना, वो यहीं पर है। आप देखेंगे यहाँ पर इसको आप स्क्रोल करेंगे ऐसा, है ना, तो आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, तो टोटल पूरा आपका ये यहीं पर आ रहा है ना। और वहीं अगर अपन बात करें, अगर मैं नीचे से ऊपर करता हूँ, है ना, तो नीचे से ऊपर करने में आप देखें यहाँ पर होगा क्या, तो नीचे से ऊपर अगर अपन करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। आप देखो ऐसा अभी दिख रहा है ना बॉटम में आपको, है ना, मैं जैसे जैसे इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ आप देखेंगे यहाँ पर ये, ठीक है, आपको यहाँ पर ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब फिर भी स्टिल आपका ये कहाँ तक आ गया है, यहाँ तक वो आपका आपको हाइट में देखने को
मिल रहा है, लेकिन इसके पहले तो वो कैसा हो रहा था, वो पूरा कट ही आपका हो रहा था। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, देकर रखा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, है ना, इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, या इसको अगर और इसको अच्छे से देखना है अगर आपको, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बॉर्डर वेट और आपने दे दिया 20px। अभी ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब आप अगर इसकी विड्थ को कम करते हो तो वो ऐसा कुछ सेट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ये अब देखो, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा कवर अप कर रहा है ना, पूरे विड्थ को कवर अप कर रहा है वो, ऊपर नीचे की मार्जिन वगैरह को हटाकर। मैं इसको आप ऐसा करके देख सकते हो, आप इसको लिख दो 50, आप इसको भी लिख दो कितना 50। अब इधर देखना है पहले ध्यान से, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, अब इधर देखना है यहाँ पर, है ना, मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ, देखो विड्थ कम होते हुए दिख रही है, तो मैं इसकी इधर से हाइट भी कम कर रहा हूँ, देखो हाइट कम होते हुए दिख रही है, है ना, तो ये हाइट भी कम हो रही है और आपकी वेट भी यहाँ पे कम हो रही है। बट आप एक लेवल के बाद तो वो सिंपल सी बात है कि वो भी हट ही जाएगा, जब आप पूरा ही ऐसा कर दोगे तो कहाँ ही दिखेगा, बट फिर भी स्टिल आपकी एक लेवल तक तो वो, है ना, आपका रिस्पॉन्सिवनेस शो कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसे करा है 21, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें करना क्या है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ये जो बॉडी देकर रखी हुई है ना, इस बॉडी के अंदर मैंने लिखा है लॉरम, और लॉरम में मैंने लिखा है यहाँ पर 200। ठीक है, मैंने कंटेंट लिखा है यहाँ पर ऐसा, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, और जैसे अगर अपन रन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, राइट। अब अगर मैं बात करूं आप करना क्या है इसमें, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जो बॉडी लिख के रखी हुई है ना, तो मैंने यहाँ पे बॉडी टैग लिखा, और बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या लिख दिया है, फॉन्ट साइज, राइट, और फॉन्ट साइज में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पे 40px। ये ऐसा कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत? अब देखना इधर ध्यान से, है ना, अभी आप ये सिर्फ लॉरेम को देखना, वो जो कॉर्नर पे लॉरेम इप्सम लिखा हुआ है ना, है ना, कॉर्नर पे लॉरम इप्सम लिखा हुआ है, आप सिर्फ उसे देखना है यहाँ पर, है ना, मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ, आप सिर्फ उसे देखो, मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप फिर अभी भी उसे ही देखना, ठीक है, तो इससे एक चीज ये समझ में आई क्या, कि आपकी हाइट कम हो जाए, आपकी विड्थ कम हो जाए, आपका जो फॉन्ट है उसकी जो साइज है वो उतनी की उतनी ही है, उतनी की उतनी ही है। ठीक है, अपन आते हैं वापस से, मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पे जो फॉन्ट साइज देके रखी है मैंने कर दिया यहाँ पर 3VW, इसको सेव किया। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पर भी ऐसा दिख रहा है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, अभी भी आपको लॉरेम एप्सम पर ही देखना है ना, देखना इधर कुछ डिफरेंस समझ में आया, कुछ डिफरेंस समझ में आया नहीं, तो अब देखना, अब डिफरेंस समझ में आया, मतलब इससे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप डिवाइस की विड्थ को कम करोगे आपके फॉन्ट की साइज भी क्या होगी, कम होते जाएगी, लेकिन ये कब किस केस में हो रही है, आपके डिवाइस के विड्थ को कम करने पर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पर कॉपी किया, आपने इसको पेस्ट किया और आपने यहाँ पर लिख दिया है VH, बनाते हैं वापस से यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब रिफ्रेश करने पर अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है ना, तो है ना, ये बहुत हाइट कम लग रही है, अभी इधर देखना है यहाँ पर, है ना, लॉरम एप्सम को देखना, अब यहाँ पे देखो कुछ चेंज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अब देखना मैं हाइट में कम करता हूँ इसको, कुछ चेंजेस दिखा क्या? तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि अगर आप यहाँ पे, है ना, अगर आप यहाँ पर किस पर आते हैं, अगर VH VW पर अगर आप आते हैं, है ना, तो अगर VH पर आते हैं तो हाइट के कम होने पर फॉन्ट की साइज कम होगी, और VW पर आते हैं तो विड्थ के कम होने पर आपके फॉन्ट की साइज
होगी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपने यहाँ पर क्या करा है, कुछ इस टाइप से ऐसा देखा है ना, जिसमें आपने करा क्या है यहाँ पर, तो जिसमें आपने यहाँ पर VH VW का कंसेप्ट देखा है ना, फिर उसके बाद में आपने यहाँ पे परसेंटेज का कंसेप्ट देखा, फिर आपने यहाँ पे PX का कंसेप्ट देखा, और अपन देखते हैं यहाँ पर क्या EM और REM है ना। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, मैं आता हूँ यहाँ पर, इसे मैंने सेव एज किया, मैंने इसे 22 किया, ठीक है। अब इसके बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने ये सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर दी, ठीक है। और अभी अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने नॉर्मल यहाँ पे स्पैन लिखा, ठीक है, और या फिर अपन एक काम करते हैं, नॉर्मली मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, ठीक है। अभी मैंने नॉर्मली एक पैराग्राफ लिखा, और पैराग्राफ में मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे लॉरम, और लॉरम में मैंने लिख दिया यहाँ पे 30, राइट। मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, और पेस्ट करके अब मैंने यहाँ पर वापस आके क्या लिखा है स्टाइल, और स्टाइल में मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, तो स्टाइल में मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है अपना क्या फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है सिंपली अपना 16 px, कोई दिक्कत। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके मैं यहाँ पर आता हूँ, इसे रन करता हूँ है ना, देखते हैं कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है 22, मैंने एंटर किया, तो देखो आपको यहाँ पे दोनों एक जैसे दिख रहे हैं क्या, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन अब देखना है यहाँ पर अब होगा क्या, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, आपने इसको कट किया, यहाँ से आपने एक डिव बनाया, ठीक है, डिव के अंदर आपने इसको रखा, ठीक है ना, ऊपर वाला नॉर्मल है, नीचे वाला 16 px था, ठीक है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आपको कैसा प्रिंट होते हुए दिख रहा है, एक जैसे ही प्रिंट होते हुए दिख रहा है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद मैंने क्या करा है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैंने कितना लिख दिया, मैंने लिख दिया 1 em, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, कुछ चेंजेस दिखे, कोई चेंजेस नहीं दिखे, ठीक है। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, डिव पर आके लिखा है स्टाइल, और स्टाइल में आके मैंने लिखा है यहाँ पर फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया है 10 px, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, कुछ चेंजेस दिखा। तो देखो यही तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज लिखते हैं 1 em, तो वो 16 px कंसिडर होता है, कि ऊपर वाला भी कितना था 16 px का था, क्योंकि ये तो आपको भी बताया ना कि बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट की साइज होती है वो 16 px होती है, तो बाय डिफॉल्ट तो 16 px मिला। लेकिन अब आपने क्या करा है यहाँ पर, आपने आपके पेरेंट बोले तो ये जो डिव है वो एज अ पेरेंट कंसिडर होगा, और उसमें फॉन्ट साइज आपने दी है 10 px, और इनर वाले एलिमेंट में आपने क्या लिखा है फॉन्ट साइज 1 em, तो वो 1 em किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, 10 px को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, क्लियर है। वही अगर मैं ऐसा लिख देता हूं यहाँ पर क्या, कि मैंने यहाँ पर आकर ध्यान से देखना, मैंने एक और पैराग्राफ लिखा इसके अंदर, और एक और पैराग्राफ के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्टाइल, और स्टाइल के अंदर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैंने क्या लिख दिया है 1 rem, लिख दिया 1 rem, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या लॉरम 30, कोई दिक्कत। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखो ये तो अलग साइज का ही दिख रहा है ना मुझे, तो ये तो 16 px का ही दिख रहा है ना, इस पे तो वो 10 का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इस पे तो 10 का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर हेड पर ये HTML पर आता हूँ, और HTML में आने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है क्या स्टाइल, और स्टाइल में अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में मैंने लिख दिया है यहाँ पर कितना 35 px, मैंने इसे सेव किया, सेव करके मैं यहाँ पर आया, मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये बढ़िया ना, क्लियर है, समझ में आया। तो अब उस केस में यहाँ पर हुआ क्या है, अब ये लॉरम वाला तो इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपने यहाँ पर पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था है ना, तो उसकी वजह से बढ़िया, आप इसको तो हटा दो यहाँ से, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर वाला चेंज नहीं हुआ है ना, और ये नीचे वाले के केस में भी आप देखेंगे 1 rem जो देके रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में सेट नहीं हुआ है, वो यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में सेट हुआ है, क्लियर है। तो rem किसके रिस्पेक्ट में सेट होगा, आपके HTML के रिस्पेक्ट में सेट होता है ना, और वहीं अगर मैं बात करूं em तो वो आपके उसके खुद के पेरेंट के रिस्पेक्ट में सेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है किसके, यूनिट्स के, राइट।
अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो उसके पहले अगर इसमें से किसी को कुछ लिखना है तो वो लिख सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा, अब इसके अलावा अपन अगर बात करें तो एक और नया एग्जांपल अपन देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसे सेव एज किया बाय द नेम CSS डेमो 23। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में ये तो सारी चीजें मैं यहाँ से हटा दूंगा, मैंने ये सब कुछ हटा दिया है यहाँ से, और उसके बाद में जो बॉडी है इसमें से भी मैं यहाँ पर चीजें हटा दूंगा, तो मैंने ये भी सब कुछ ऐसे हटा दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है ना, तो इसमें अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मैंने लिखा है डिव। डिव के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे लॉरम, और लॉरम में मैंने कितना लिख लिया है यहाँ पर 100, राइट। अब यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा है सिंपली डिव। डिव की केस में मैंने यहाँ पे क्या दे दी है हाइट, हाइट में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा ऑटो। अगर अपन बात करें यहाँ पे वेट की, तो वेट की केस में मैंने कितना लिख दिया है यहाँ पे 500 px। मैंने फिर यहाँ पे क्या कर दिया है BORDER बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है सॉलिड, और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये तो मैंने ऐसा लिख दिया है ना बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल में मैंने लिख दिया यहाँ पे सॉलिड। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है क्या 23, और आते हैं यहाँ पर ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब मैंने इसमें करा क्या है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने लिखा है COLUMN कॉलम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कितना लिखा है कॉलम काउंट, कॉलम काउंट में मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर 3। अब ये किसमें डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आपके 3 कॉलम्स में ऐसा डिवाइड हो जाएगा। अगर आप बोले इससे ज्यादा आप जितने लिखोगे वो उसमें डिवाइड हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10, तो वो 10 में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे 10 में डिवाइड हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, तो इसमें बहुत किचपिच हो जाएगा, है ना। 10 कॉलम तो आ जाएंगे, लेकिन वो स्पेसिफिकली अगर एक वर्ड को ब्रेक करना है तो एक स्पेसिफिक एक इंडिविजुअल वर्ड ब्रेक नहीं होता, है ना। वो तो या तो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस है तो ही वो ब्रेक हो पाएगा, अदरवाइज वो एक अकेला इंडिविजुअल वर्ड ब्रेक नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे उस केस में वो क्या हो रहा है, चीजें ओवरलैप हो रही है यहाँ पर। तो फिर उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ऐसा कुछ कॉलम नंबर लिखते हैं जिसमें आपका पूरा डेटा इफिशियंटली आपको देखने को मिले। तो मैंने कॉलम काउंट 3 लिखा, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉलम काउंट पे लिख लिया, कॉलम रूल कलर, रूल का कलर क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेड। मैंने लिखा है यहाँ पे कॉलम रूल विड्थ, तो कॉलम रूल विड्थ की अगर अपन बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 5 px, ठीक है। और फिर बात आती है कॉलम, है ना, रूल स्टाइल या कॉलम रूल, हाँ स्टाइल, तो स्टाइल में मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर सॉलिड, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर सेव करूंगा, सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने पर आपको कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है। हमने किसमें डिवाइड कर दिया, इसे कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देख लो इसको। लिख लिया गया था सभी ने, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अब ये जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है ना, ये प्रॉपर्टी किसकी है आपकी, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है आपकी CSS3 की, है ना, जो कॉलम काउंट, कॉलम रूल कलर, कॉलम रूल विड्थ, कॉलम रूल स्टाइल, ये सब CSS3 की है। आपने लास्ट क्लास में वो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, बैकग्राउंड के अंदर आपने क्या करा था, लीनियर ग्रेडियंट, है ना, फिर आपने देखा था रेडियल ग्रेडियंट, है ना, तो वो भी किसकी प्रॉपर्टी थी आपकी, आपके CSS3 की, है ना, CSS3 की, है ना, लीनियर ग्रेडियंट वो वैल्यू थी, बैकग्राउंड आपकी प्रॉपर्टी थी। फिर बॉर्डर रेडियस आप जो यूज करते हैं, है ना, तो वो बॉर्डर रेडियस भी किसकी प्रॉपर्टी है आपकी, CSS3 की। आउटलाइन भी CSS3 की है, ज्यादा क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, फिर अब देखते हैं इसमें आगे का कंसेप्ट कैसा क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब तो
यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैं एक नया एग्जांपल फ्रेम कर लेता हूँ यहाँ पर। मैंने इसे सेव एज किया और सेव एज करने के बाद में मैंने लिखा यहाँ पर 24। तो ये अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दिए, ठीक है, मैंने ये भी हटा देते हैं। और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने इसे भी यहाँ से हटा दिया, राइट। अब अगर मैं बात करूँ कि अब अपने को देखना क्या है, तो अभी अब मैं जो आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ वो इमेज मैप का कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, इमेज मैप का कंसेप्ट बता रहा हूँ, है ना। अब ये इमेज मैप का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है ना, तो वो समझना है ध्यान से। तो इमेज मैप के कंसेप्ट को देखने के लिए आपको इमेज लगाना तो आती है ना सभी को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, IMG टैग का मैंने यूज किया, और IMG टैग का यूज करके अब हमें क्या करना है, तो हमें एक इमेज डाउनलोड करना है। अब एक इमेज डाउनलोड करना है तो मैंने क्या लिखा, STATIONARY स्टेशनरी इमेज। ये थोड़ा सा क्लियर स्टेशनरी की इमेज हमें चाहिए यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पर इमेजेस पर, ठीक है। क्या नहीं क्लियर इमेज मतलब कि उसके अंदर के जो आइटम्स है वो आपको प्रॉपर दिखे। अगर तो इमेज आप जैसे सर्च करेंगे वैसे आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे आपको ये दिख रहा है, ये ये लेते हैं अपन, ये वाली इमेज, या फिर ये लेते हैं ऑफिस सप्लाइज, है ना। हाँ मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और मैंने करा इसे सेव, सेव इमेज एज। और अपन यहाँ पर आते हैं डेस्कटॉप, कोडिंग थिंकर, वेब डिजाइनिंग, CSS, इंटरनल CSS, और मैंने यहाँ पर इसे क्या कर दिया है सेव। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, अपन आते हैं यहाँ पर। अब करना कुछ नहीं है आपको, बस यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करोगे, यहाँ पर आपको ये लार्ज स्टेशनरी की एक इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। आपने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आप इसे चला कर देखेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ 23 है, यहाँ पर आपने क्या करा है 24। आप देखोगे यहाँ पर ही आपको ऐसे कुछ है ना देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, है ना। यहाँ पर लिखा क्या है, इधर लिखा है फाउंटेन पेन, इधर लिखा है पेंसिल इरेजर, है ना, मैकेनिकल पेन, है ना, फिर उसके बाद नोटबुक, यहाँ पे आपको डेस्क लैंप वगैरह और ये बाकी की चीजें, कैलेंडर, बॉल पॉइंट पेन, है ना, डेस्क ऑर्गेनाइजर और डेस्क लैंप भी आपको देकर रखा है, राइट। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, ठीक है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे लिखा क्या, ऑनलाइन, ठीक है, इमेज, है ना, ऑनलाइन इमेज कोऑर्डिनेटर, है ना, फॉर इमेज मैप, मैंने ऐसा लिखा, है ना, ऑनलाइन इमेज कोऑर्डिनेटर फॉर इमेज मैप जनरेटर, है ना, एंटर किया। एंटर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक दिख रही है ना, आपको क्या दिख रही है यहाँ पर, ये फर्स्ट लिंक दिख रही है ना। अब इसके अलावा लिंक पर ऐसे बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी, है ना, लेकिन सबसे पहले अगर आपको जो ये फर्स्ट लिंक दिख रही है अपन उससे थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें है क्या। तो मैंने इस पर क्लिक किया, उसे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको ये कुछ स्टेप्स दिखाएंगे, सिलेक्ट एन इमेज फ्रॉम माय पीसी और लोड इमेज फ्रॉम वेबसाइट, ठीक है। अपन आते हैं यहाँ पर, अब इसके भी पहले एक और चीज देखो कि आपको यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अब ये डॉक्यूमेंट पर देखो, आपने यहाँ पे पेन पे क्लिक किया कुछ हुआ नहीं, आपने पेंसिल पे क्लिक किया कुछ हुआ नहीं, इरेजर पे क्लिक किया कुछ हुआ नहीं। मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें से किसी भी इमेज पर अगर क्लिक करता हूँ तो जिसपे भी मैं क्लिक करूँ उसकी बहुत सारी इमेजेस मेरे पास में आ जाए। क्योंकि मैंने इरेजर पे क्लिक किया तो मुझे इरेजर ही इरेजर की इमेज दिखे, मैंने नोटबुक पे क्लिक किया तो मेरे को नोटबुक नोटबुक की ही यहाँ पे क्या दिखे, इमेजेस दिखे। तो फिर आप उसके इसमें मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया। अब यहाँ आने के बाद मैं सिलेक्ट इमेज फ्रॉम माय पीसी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके आप कहाँ आएंगे, आपके डेस्कटॉप पे आप आएंगे, कोडिंग थिंकर, यहाँ पे आपने देखा है वेब डिजाइनिंग, और यहाँ पर आपको देख के रखा हुआ है CSS, है ना, और आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इंटरनल CSS, और यहाँ पर आप देखेंगे आप आ गए यहाँ पे इसमें लार्ज स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है, ऐसा कुछ देख के रखा हुआ है आपको। और यहाँ पर आने के बाद में आपने इसे सिलेक्ट कर लिया, तो ये इमेज आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रही है। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, ये आपको ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब इसके बाद में आप करेंगे क्या, तो देखो नीचे क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, इधर नीचे यहाँ पर दिख रहा है आपको एक्टिव, शेप, लिंक,
है ना, ये दिख रहा है ना, ये एक्टिव शेप लिंक टाइटल और टारगेट। तो आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, आपने लिखा है सबसे पहले इस पे क्लिक किया तो रेक्टेंगल पॉलीगॉन और सर्कल। तो मैंने बोला कि ठीक है रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर लिंक पर आया, तब लिंक के केस में मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो लिंक के केस में मैंने बोला कि अपन यहाँ पे कैलेंडर लिखेंगे, CALENDAR कैलेंडर। ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर, ठीक है कैलेंडर डॉट मैंने लिख दिया यहाँ पर HTML। ठीक है, तो अगर मैं टाइटल की बात करूँ तो टाइटल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया CALENDAR कैलेंडर मैंने लिख दिया। अब टारगेट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो टारगेट में अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो टारगेट में मैंने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल लिया। ठीक है, अपन इस पर क्लिक करते है ना, ये मैंने इस पर क्या करा यहाँ पर क्लिक किया है ना, ये इधर दिखा है ना आपको डॉट, क्लिक किया। मैं यहाँ पर आकर फिर से एक बार क्लिक कर रहा हूँ, देखो ऐसा कुछ मिला। अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको इधर ऊपर करा, और मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा, तो मैंने थोड़ा सा इसको स्ट्रेच किया, राइट है ना। अब ये मैंने ऐसा करा है, अब ऐसा करने पर क्या होगा यहाँ पर, तो ऐसा करने पर अब ये तो आपने एक ऐसा कुछ कर लिया है ना। अब उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप एड न्यू करेंगे, एड न्यू पर आकर आपने क्या करा यहाँ पर, तो एड न्यू पर आकर आपने यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल ही लिया। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे यार, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे नोटबुक, नोटबुक डॉट एच टी एम एल। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिख दिया है नोटबुक। ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, देखते एक मिनट, ठीक है हो रहा है क्या, इस पर आए यहाँ पर अपन रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, मैंने इस पर क्लिक किया, राइट। तो ये ऐसा बन गया यहाँ पर, आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा। सॉरी मैं क्या, ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलेंडर लिखा, आपने यहाँ पे नोटबुक लिख लिया है ना, फिर उसके बाद में अगर आपको और ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर क्या कर लिया है सर्कल, तो मैंने सर्कल पर क्लिक किया। मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, तो मैंने लिखा CALE सर्कल डॉट HTML, और मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है CALE सर्कल, और मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, अब तो सर्कल पर मैं यहाँ पर आया, और मैं यहाँ पर आया, और अब ये ऐसा कुछ दिख रहा है, राइट। अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो अपन इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, और छोटा करने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैं इसको यहाँ पर इतने पूरे पर लेकर आ जाऊँगा, ठीक है, इतना पूरा एरिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, शो मी दी कोड, मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखेंगे ये मेरे को पूरा कोड लिखा हुआ मिल गया। मैंने इसे क्या कर लिया यहाँ पर, अब कॉपी, तो ये पूरा मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में है ना, और मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या दिखेगा, ये आपको क्या मिलेगा है ना, तो अपन यहाँ पर आए हैं, और मैंने यहाँ पर इसको ऐसा रख दिया। क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर इस इमेज को यहाँ से हटा दिया है ना, वो इमेज यहाँ ऑलरेडी आ चुकी थी, तो मैंने उस इमेज को यहाँ से हटा दिया, अभी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, राइट क्लियर है। अब आपको करना क्या है, अब ये कैलेंडर डॉट एच टी एम एल ये जो HREF में था, और टाइटल में जो आपने लिखा था, तो वो आ गया। तो आपको यहाँ पे तीन पेजेस बनाना है, कैलेंडर डॉट एच टी एम एल, नोटबुक डॉट एच टी एम एल और सर्कल डॉट एच टी एम एल नाम से। ठीक है, तो अपन अब करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, तो मुझे यहाँ पे तीन पेजेस बनाने हैं है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने न्यू फाइल ली, और न्यू फाइल मैंने लिख लिया है कैलेंडर डॉट एच टी एम एल, राइट, मैंने ऐसा लिखा। यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, और एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने के बाद में मैंने लिखा है IMG टैग। ठीक है, अभी IMG टैग में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने इसे सेव किया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या सर्च किया है कैलेंडर, और कैलेंडर में बस मैंने यहाँ पर ऐसा लिख के सर्च किया। आप देखेंगे यहाँ पर इमेजेस, इमेजेस में आपको ऐसे बहुत सारे कैलेंडर्स देखने को मिलेंगे है ना, तो ये जो बहुत सारे कैलेंडर्स आपको देखने को मिल रहे, तो आप करेंगे क्या, तो आपने यहाँ पे किसी पे भी राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब किया, आप यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे कैलेंडर तो प्रॉपर इमेज नहीं थी। मैं वापस से बैक आता हूँ, और कोई दूसरा कैलेंडर यहाँ पे लेता हूँ, ये फ्री कैलेंडर्स यहाँ पर ऐसे देखने को मिल रहे हैं आपको
आपने क्या किया है यहाँ पर, ये जो कैलेंडर दिख रहा है आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करके अब आपने क्या किया है यहाँ पर, तो आपने इसको सेव कर लिया बाय राइट क्लिकिंग इट ऑन एंड सेव इमेज एज। सेव इमेज करके आप इसे सेव कहाँ करेंगे, तो यहाँ पर आप वेब डिजाइनिंग के अंदर आपके सी एस एस में आएंगे, सी एस एस में इंटरनल सी एस एस पर आएंगे और यहाँ पर आकर आपने क्या कर दिया है, आपने यहाँ पर आई एम जी नाम से उस इमेज को सेव कर दिया, राइट। अब सेव करने के बाद में अपन आते हैं यहाँ पर और यहाँ आकर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर लिख लिया है क्या आई एम जी डॉट जे पी जी, क्लियर है यहाँ तक। मैंने इसे सेव किया, ये तो क्या हुआ मेरा कैलेंडर हुआ, लेकिन मैंने उसके अलावा एक और क्या लिया था यहाँ पर, नोटबुक भी ली थी ना मैंने, है ना, नोटबुक डॉट एस टी एम एल। तो मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, नोटबुक डॉट एस टी एम एल, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, मैंने लिखा सिंपली यहाँ पे नोटबुक, मैंने नोटबुक लिखा, मैंने यहाँ पर इमेजेस पे क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखो ये कैसे ये दे रहा है, ये यहाँ पर अपने को ऐसी नोटबुक चाहिए, ठीक है ना, तो ये नोटबुक्स ऐसे आ गई आपके पास में। आपने क्या करा है यहाँ पर, आपने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे, आपने राइट क्लिक किया, आपने इसे सेव किया, ठीक है। अब आप अगर इसे सेव करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आई एम जी टू करके आपने इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने क्या किया, मैंने लिखा आई एम जी और आई एम जी के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे आई एम जी टू नाम से इसको मैंने सेव कर लिया, राइट। मेरे यहाँ तक अब ध्यान से देखना, मैंने इसे सेव किया, अब मैं ये 24 नंबर का जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को यहाँ पे चला रहा हूँ। तो अपन आते हैं यहाँ पर, क्या कौन सा वाला, ठीक है, मैंने इसे सेव किया यहाँ पर और अपन आते हैं अभी यहाँ पर इसे चलाकर देखते हैं कैसा क्या आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने पर तो ये पेज आपको दिख रहा है ना। अब देखना यहाँ पर मैंने क्या करा था, मैंने यहाँ पर इरेजर के ऊपर तो कुछ नहीं किया है अभी, मैंने सिर्फ यहाँ पे नोटबुक और कैलेंडर पे वहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट सेट किए थे। तो मैं देखो मैं नोटबुक पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने नोटबुक पर क्लिक किया तो मैं नोटबुक वाले पेज पर आ गया ना। अब फिर से देखना यहाँ पर, अगर मैंने कैलेंडर पे क्लिक किया तो जैसे मैं कैलेंडर पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैसे मैं कैलेंडर पर आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि आप जिस इमेज पे क्लिक करेंगे उस इमेज के रिस्पेक्ट में मल्टीपल इमेजेस आप किसी दूसरे पेज पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। अब ये तो मैंने एक ही इमेज लगाई है, आप चार पांच तरीके की कैलेंडर लगा दो यहाँ पर, है ना। मैंने उधर नोटबुक की तो एक ही लगाई थी, आप चार पांच तरीके की नोटबुक वहाँ पर आप लगा दो। तो ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी क्या करती है यहाँ पर काम करती है। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, आपका एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है इसमें कि लाइक अपन यहाँ पर आए और यहाँ आने के बाद में अगर मैंने इसके डिवाइस के विड्थ को कम कर दिया, ठीक है, और डिवाइस के विड्थ कम होने पर अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ अगर अपन ने कैलेंडर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको फिर भी कैलेंडर देखने को मिल रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा इम्प्लीमेंट हुआ है जिसमें आपने इमेज मैप का कंसेप्ट फ्रेम किया है। यहाँ तक आप देख लिए एक बार, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है ना। ये इमेज मैप का कंसेप्ट है आपका, इसमें आप अपने नीड के हिसाब से, है ना, आप उसको चीजों को सेट कर सकते हो इसमें, ठीक है। आपको बस कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेंगे, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स कहाँ से निकलेंगे आपके, वो कोऑर्डिनेट्स आपके इंटरनेट से निकलेंगे, है ना। आप सोचे कि यार मैं खुद कोऑर्डिनेट वहाँ पे सेट कर दूं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप देखें ना यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स दिख रहे ना, ये कोऑर्ड्स, है ना, 747 382 899 613 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहाँ तक। हाँ, टाइटल आप चेंज कर सकते हो, वो वहाँ पर टाइटल और आप लिंक वहाँ पर नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ब्लैंक आ जाता, आप वापस से यहाँ पर आकर टाइटल और आपका एच आर एफ सेट कर सकते हो। मेनली हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ ये इसकी कोऑर्डिनेट्स की है, ये जो कॉर्ड्स जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ पर डायरेक्टली इमेज को देखकर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इंटरनेट की रिक्वायरमेंट लगेगी ही। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा देखकर रखा हुआ है, राइट। अब इसमें अगर चले अपन यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल में अपन और क्या कर सकते हैं, तो अभी भी अपना एग्जांपल इंटरनल सीएसएस के ही है, है ना। तो अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा ना कि अगर कभी आप कोई इमेज लगाते हैं, है ना, या फिर अगर आपको कोई इमेज लगाना है ना, तो आप जनरली इमेज टैग का यूज करते, राइट।
ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक रियल लाइफ सिनेरियो, रियल लाइफ एग्जांपल अपन इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वॉल है ना, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक दीवार है ना, अब उसके ऊपर आपने एक सीनरी लगाई है ना, उसके ऊपर आपने क्या लगाई है, सीनरी लगाई है। तो अगर आपने उसके ऊपर सीनरी लगाई है तो अब मुझे अगर वॉल पे वॉल क्लॉक अटैच करना है ना, वहां पे हैंग करना है, तो क्या मैं उस सीनरी के ऊपर लगाऊंगा क्या? नहीं, मैं उसके या तो साइड में लगाऊंगा या फिर बॉटम में लगाऊंगा या फिर टॉप में लगाऊंगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो बॉडी टैग होता है वो आपकी वॉल हो गई, उसके अंदर जो आपने डिव टैग का यूज किया है वो आपकी सीनरी हो गई है, और अब अगर आपको कोई इमेज लगाना है या कुछ और आपको एलिमेंट लगाना है तो उसके नीचे आप या तो आईएमजी टैग लगाए या पैराग्राफ टैग लगाए या स्पैन टैग लगाए, तो ये वो आपकी क्या हो गई है, क्लॉक हो गई है। क्लियर है? लेकिन अब आप ऐसा बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यार मेरे पास में जो सीनरी है मुझे उसके ऊपर क्या वॉल वो क्लॉक को लगाना ही है ना। तो यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हो कि आपने बॉडी टैग के अंदर एक डिविजन बनाया और डिवीजन के नीचे आपने एक और एलिमेंट फ्रेम किया है ना, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी से उसको ऐसा सेट कर सकते हो कि जैसे कि वो उसके ऊपर वहां पर क्या हो जाए, सेट हो जाए। वैसे भी पॉसिबिलिटी है, बट ये सही तरीका नहीं है। तो फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा कि यार तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि सर फिर इसके अलावा हम क्या यहाँ पर सीनरी क्लॉक उसके कॉम्बिनेशन से कुछ लगा ही नहीं सकते क्या? तो आप लगा सकते हो। कैसे? तो आपके पास में एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये है कि आप उस दीवार पे वॉलपेपर लगवा दो, तो इससे क्या होगा कि वो जो दीवार रहेगी उस पर पूरी पे सीनरी आ गई है। अब अगर पूरी पे सीनरी आ गई है तो आप उसके ऊपर अब आप कुछ भी लगाओ वो वहां पे प्रॉपर ही दिखेगा। कि पूरी दीवार के ऊपर ही अगर मैंने सीनरी लगा दी है तो अब मैं फिर दीवार के किसी भी कॉर्नर पे जाकर क्या कर सकता हूँ, अपने क्लॉक को हैंग कर सकता हूँ। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप वो कंसेप्ट ऐसा इंप्लीमेंट करेंगे कि या तो आप आपके डिविजन के नीचे अगर कोई इमेज लगाते हैं तो डिविजन के नीचे आपको इमेज देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड है उसको ही पूरा इमेज से अगर सेट कर देते हैं तो फिर उसके बाद में आप जो भी लिखेंगे तो वो उस इमेज के ऊपर ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? थोड़ा सा प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होगी, है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पर इसे सेव किया 25 नंबर से, आई थिंक मैंने इसे सेव कर लिया था क्या पहले, ठीक है। बनाते हैं यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ये था आपके पास में 23, ये था आपके पास में 24, नहीं किया था है ना, मैंने इसे सेव एस किया बाय द नेम 25, राइट। अपन आ गए यहाँ पर, अब यहाँ से देखना मैं करूंगा क्या, तो ये बॉडी टैग देखिए रखा हुआ है, बॉडी टैग के अंदर मैंने क्या लिखा है, बॉडी टैग के अंदर मैंने एक डिविजन बनाया है ना। अब ये जो मैंने बॉडी टैग के अंदर डिवीजन बनाया है तो इस बॉडी टैग के अंदर जो डिवीजन बनाया है ना, तो मैंने यहाँ पर आकर इस पर कुछ स्टाइल कर दी, मैंने लिखा डिव, और डिव के अंदर मैंने क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया है हाइट, हाइट में मैंने कितना कर दिया है यहाँ पर, मैंने लिख दिया है 300px। मैंने बोला अब इसके अलावा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर विड्थ में मैंने कितना कर दिया है 900px। मैंने बोला इसके अलावा, तो मैंने बोला बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने अभी क्या कर दिया है, क्रिम्सन। अब आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आप यहाँ पर आकर क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पर आकर 24 की जगह मेंशन कर दिया है 25। आप देखेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा दिख रहा है, आपने फिर से यहाँ पे क्या करी है, जो हाइट है उस हाइट को बढ़ाया आपने यहाँ पर, और आपको ये कंटेंट कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है, राइट। अब मैंने बोला मैं करूंगा क्या, तो ये जो डिव है इस डिव के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, H1 टैग लिखा। H1 में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल CSS, मैंने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल CSS, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, आप देखेंगे कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है आपको, नीचे लिखा हुआ दिख रहा है। अब अगर आपको ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, अब आपने बोला कि मेरे को तो उस इमेज के मतलब मुझे तो वो डिव के ऊपर लेकर जाना है उसे, तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर H1, और H1 के अंदर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप में मैंने क्या करा है -50px, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने इसे सेव किया। सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे ये ऊपर आ गया। अगर यहाँ पर क्या करता हूँ -200, देखो ये ऊपर आ गया। तो ये तो वो कंसेप्ट है
कि आपने बोला कि सर वॉल है, वॉल के ऊपर मैंने एक सीनरी लगाई है और अब मुझे घड़ी लगाना है, तो क्या मैं उस सीनरी के ऊपर नहीं लगा सकता हूँ क्या? तो लगा सकता हूँ। तो ये भी वही कंसेप्ट है कि आपने एक डिविजन बनाया है, उसके नीचे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आपको उसको उसके ऊपर लेकर आना है, तो आपने उसके ऊपर यहाँ पर क्या वो टेक्स्ट को मेंशन कर दिया है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। तो फिर सही तरीका क्या है? तो सही तरीका ये है कि आप आपके बॉडी में ही क्या लगा दो, पूरा बैकग्राउंड लगा दो। मतलब कैसे कि आप वॉल के ऊपर ही पूरा क्या लगा दो, वॉलपेपर लगा दो, और बस उसके बाद में आपको क्लॉक को जहाँ हैंग करना है आप वहाँ पे हैंग करो, सीनरी जहाँ हैंग करना है आप वहाँ पे सीनरी हैंग करो। तो फिर आप उस केस में अपन करेंगे क्या यहाँ पर? तो ध्यान से देखना, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया है ना, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। उसके लिए फिर अपन करेंगे क्या, तो अपन आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने क्या करा है, ये जो डिविजन है ना, अब इस डिविजन के केस में मैं करूंगा क्या, तो मैं ये डेव पे आया और डेव के अंदर आने के बाद में ध्यान से देखना मैंने लिखा क्या। मैं डेव में आया, डेव के बाद में मैंने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यू आर एल, और यू आर एल के अंदर मुझे अब क्या लिखना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर एक इमेज की रिक्वायरमेंट है। अब एक इमेज की रिक्वायरमेंट है, तो एक इमेज अपन यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है बैकग्राउंड, वॉलपेपर बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये इतने सारे ये ऐसे सब कुछ देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अपन अब यहाँ पर करेंगे क्या, तो अपने को इमेज यहाँ पर डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है, और जो इमेज डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट है, अपन एक काम करते हैं, ये वाली इमेज लेते हैं अपन, राइट, है ना। ये इमेज आपको दिखा रखी हुई है, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पर, मैंने करा है सेव इमेज, है ना। और सेव इमेज में अपन क्या करते हैं यहाँ पर, ये मैंने ऐसे ही नाम दे दिया यहाँ पर बैनर, ये मैंने इसे सेव कर लिया, कोई दिक्कत। अब अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अब होगा क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या लिखा है, मैंने बोला यहाँ पर ये बैनर, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में आप ध्यान से देखना यहाँ पर होगा क्या, अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में है ना, अपन यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा है, मैंने इसे रिफ्रेश किया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इमेज आई क्या, नहीं, अपने कुछ गड़बड़ करी है आई थिंक यहाँ पर। चलिए, अपने आई थिंक इसकी हाइट विड्थ तो अपने को खैर देना नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने सेव किया, सेव करके बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अभी इसमें भी नहीं आ रही है। तो फिर अब अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने लिखा यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, अगर ये नहीं लगती है तो फिर अपन बॉडी के ऊपर ट्राई करेंगे लगाने का, ये तभी भी यहाँ पर ये इमेज नहीं आई है ना। अपन एक काम करते हैं, फिर यहाँ पर आकर मैंने इसे सेट किया है बॉडी पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे बॉडी पर सेट करने का सोचा, मैं यहाँ पर आया। ठीक है, मैंने बॉडी पर इमेज को सेट करने का सोचा, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर आया, आप देखेंगे ये बॉडी के ऊपर इमेज आ गई है। मतलब वो आपके डेव पे काम नहीं कर रही थी, लेकिन बॉडी पर आपकी इमेज आ गई। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जो इमेज आपने डाउनलोड करी थी वो पूरी तो इमेज पे दिख नहीं रही आपको, है ना। जो आपने इमेज डाउनलोड करी थी वो पूरी इमेज कहाँ दिख रही, कट रही है ना ये तो इमेज। तो फिर अब उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, तो उस केस में आपको एक प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगी, क्या, बैकग्राउंड कवर या बैकग्राउंड साइज। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, कवर, आपने तो सेव किया, आप देखेंगे यहाँ पर, देखो इमेज दिखी है पूरी, क्लियर है। अगर यहाँ पर इमेज छोटी होती है ना, तो इमेज यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड रिपीट, और आप यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, नो रिपीट। मतलब इमेज क्या हो जाती है, अगर छोटी होती है तो एक ही स्क्रीन पे चार पांच इमेजेस ऐसे आ जाती है। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, कि अगर इमेज छोटी भी है तो बाकी की कोई वही इमेज वापस से रिपीटेटिव मैनर में ना आए, बस एक बार जितनी दिख रही है उतनी ही दिखे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिख दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ स्टेप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब क्या, अब बस मैं ये बॉडी में आया, और बॉडी में आने के बाद में मैंने क्या लिखा यहाँ पर, डिव, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, डिव, और डिव के अंदर मैंने क्या करा अभी यहाँ पर, तो डिव के अंदर मैंने लिख दिया है यहाँ पर अपना सिंपली this is an example of, this is an example of text over image,
यहाँ पर मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एग्जाम्पल ये है कि आप कैसे इमेज के ऊपर है ना क्या कर सकते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट ओवर इमेज. अब आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करा है, आपने लिखा है div, और div के केस में आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा है यहाँ पर फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज में आपने कितना लिख लिया यहाँ पर 35px. समझ में आया? मैंने इसे सेव किया. सेव करके आप देखेंगे यहाँ पर जैसे ही मैंने इसे रिफ्रेश किया तो आप देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया है ना. यहाँ पर अपन एक काम और करते हैं, यहाँ पे जो 35 है इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 75. अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट ओवर इमेज. ठीक है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आपको कलर चेंज करना है तो. तो कलर चेंज करने के लिए मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आया और यहाँ का मैंने लिख दिया है कलर. कलर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कितना व्हाइट. आप देखेंगे यहाँ पर आपने इसको रिफ्रेश किया आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है. क्लियर है क्या यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा और क्या कर सकते हैं अपन, तो ध्यान से देखना. मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने एक और डिफ बनाया. अब इसे डिफ के केस में मैं करूंगा क्या, तो मैंने इसको एक आईडी दी और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेमो वन. कोई दिक्कत? मैंने एक और डिफ बनाया और डिफ के बाद मैंने क्या करा यहाँ पे लिखा है मैंने आईडी इक्वल्स टू डेमो वन, राइट. अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा हैश, मैंने लिखा है डेमो वन, और डेमो वन के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है हाइट, और हाइट में मैंने कितना लिखा है यहाँ पे 400px. तो मैं आया, और मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, तो मैंने लिखा है विड्थ, और विड्थ में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या 100%. ठीक है, ये भी समझ में आ गया. और मैंने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है वाइट. ये भी मुझे समझ में आ गया. ठीक है, अब कैसे क्या दिखेगा, मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब देखो ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना. अब ये ऐसा दिख रहा है, तो इधर साइड में स्ट्रिप है, इधर स्ट्रिप है, ऊपर भी थोड़ी सी गैप है. तो अब फिर उसके इसमें मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो अब अगर ऐसा कुछ है तो अपन यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा देते हैं. मैंने करा है एस्ट्रिक, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है मार्जिन, और मार्जिन में मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर 0. तो आप देखेंगे, देखना थोड़ी सी जगह स्ट्रिंग को भी, जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो हुआ ना थोड़ा सा. आप देखेंगे साइड से भी थोड़ा सा कवरअप हो गया है, ऊपर से थोड़ा सा कवरअप हो गया, राइट. लेकिन इसमें आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर अब कैसे दिख रहा है, ये तो जो आपने व्हाइट कलर दिया है तो उससे पीछे की तो पूरी इमेज ही आपकी क्या हो गई है, गायब हो गई है, कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर. तो फिर अब उस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पर आए है ना, और यहाँ पर आने के बाद में आप करेंगे क्या, आप डेमो वन पर आए और अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना. आपने यहाँ पे लिखा है ओपेसिटी, और ओपेसिटी में अब आपने क्या करा है, तो ओपेसिटी में आपने लिखा है यहाँ पे 0.5. अब ये ओपेसिटी बेसिकली होता क्या है, तो ओपेसिटी की जो वैल्यू होती है और उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 1 तक. अब 0 से 1 तक होती है तो उसमें क्या होता है, ये धुंधला बोले तो थोड़ा सा क्लाउडी इफेक्ट देने का काम करता है, ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है और सॉलिडनेस को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर अपन बात करें कि जैसे जैसे आप 0 से 1 की ओर बढ़ते जाएंगे इन मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन है ना, वैसे वैसे आपका जो बैकग्राउंड या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो एलिमेंट रहेगा वो सॉलिडिफाई होते जाएगा, मतलब सॉलिड कलर मतलब जैसे अभी आपको व्हाइट दिख रहा था ना बिना ट्रांसपेरेंट का, कि पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो सॉलिड कलर कंसिडर होगा. लेकिन जितनी वैल्यू आप कम रखेंगे, मतलब जितना आप 0 के साइड जाएंगे है ना, उतना आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी फील करेंगे. कैसे, तो आपने यहाँ पे इसे सेव किया, सेव करके आपने इसे रिफ्रेश किया, देखो दिख रहा है ऐसा. अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0.2, तो आप देखेंगे यहाँ पर ज्यादा धुंधला हो गया ना एकदम से, है ना. यहाँ पर आप देखो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा आपको. और अगर मैंने यहाँ पर कर दिया है 0.8, तो आप देखेंगे उतना ज्यादा ही क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, सॉलिड. वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा है ना, ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा. अब यही चीज मैंने इसके अंदर कर दी, मैंने क्या करा, इसे कॉपी, मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कंटेंट आया क्या, नहीं हुआ, कलर ही वाइट था ना उसका. अपन ने क्या करा है यहाँ पर, मैंने कलर में कर दिया है यहाँ पे ब्लैक. आपको दिख रहा है यहाँ पे कंटेंट, हाँ तो ऊपर भी था ना, ऊपर भी था और नीचे भी है ना, ऊपर भी था और नीचे भी है. लेकिन ये इमेज, ये जो कंटेंट है, ये देखो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, पूरा सॉलिड कलर ही दिख रहा है.
ऑलरेडी दिख रहा है अगर अपन इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी अगर बढ़ाते हैं यहाँ पे, लाइक मैंने करा ऐसा कुछ, अब देखें अब है ना थोड़ा सा कैसा हो गया, कुछ समझ में आया डिफरेंस? यहाँ पर आपने क्या करा है, आपने यहाँ पर सिंपली ओपेसिटी को कम किया थोड़ा सा, है ना? आपने जैसे ही ओपेसिटी को कम किया तो आप देखो जो आपने कंटेंट लिखा हुआ था तो वो कंटेंट कैसे दिख रहा है, ऊपर वाला तो सॉलिड कलर दिख रहा है ना? ऊपर वाला इसलिए मैंने हटाया नहीं क्योंकि ऊपर वाला मेरे को बताना है कि ऊपर वाला क्या है, आपका सॉलिड कलर है, लेकिन नीचे वाला कैसा दिख रहा है कि आपका कंटेंट पीछे ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ पर अब ये ट्रांसपेरेंसी ना हो, ऐसे में तो मैं मेरा कंटेंट रीड आउट ही नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड ये मतलब अपना जो क्लाउडी इफेक्ट है, या फिर मेरे को अगर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा रखना है तो फिर अब उस केस में अपन करेंगे क्या, तब उस केस में अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया, और अब अपन एक काम करते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख कर देखते हैं, लाइक मैंने लिखा RGBA, और RGBA में अपन करेंगे क्या, तो मैंने लिखा 255 255 255 0.3, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने इसे क्या किया है, रिफ्रेश किया है, समझ में आया? तो हो गया ना सॉलिड कलर, तो आप देखेंगे वो कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पर एज अ सॉलिड कलर के तौर पे देखने को मिल रहा है, क्लियर है क्या? तो ये इनिशियल कंसेप्ट था किसका, आपका, कि आप यहाँ पर कैसे बैकग्राउंड में आपकी इमेज सेट करेंगे और उसके बाद में फिर आप जो भी लिखेंगे वो सब उस इमेज के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने बैकग्राउंड में कुछ लिखा और जो भी अब आप लिख रहे हो वो सब कहाँ आ रहा है, आपके इमेज के ऊपर आ रहा है, समझ में आया क्या? और ये भी आपने देखा कि अगर ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंसी वाली चीजें हैं तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे, समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, आपको देकर रखा हुआ है, समझ में आया? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अब इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, है ना? तो इसके अलावा अगर अपने को देखना है कि अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो चलते हैं अपन यहाँ पर, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे इसे सेव एज किया, सेव एज में मैंने करा 26, ठीक है, अपन यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो जैसा कि मैंने आपको कल लास्ट क्लास में एक बताया था ना एग्जाम्पल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर में एक कलर दे देंगे, उसके ऊपर एक और टेक्स्ट बनाएंगे, फिर उसकी बॉर्डर रेडियस अपन वैसा करेंगे, है ना? बताया था मैंने वैसा कुछ आपको, है ना, दो टेब लगाकर, है ना? अब यहाँ पर हम करने के वाले तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, वही सेम वही सब कुछ प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा टास्क, अब वो टास्क क्या है और कैसे वो समझना। मैंने यहाँ पर एक डिव लिया, ठीक है, अब ये जो मैंने डिव लिया है तो अब इस डिव में मैं करूंगा क्या, तो इस डिव में मैंने यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर भी मैंने लिखा है डिव, है ना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है डिव, और इस डिव पर मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फ्लोट, और फ्लोट में मैंने लिख लिया है यहाँ पर लेफ्ट राइट, और अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैंने बोला है कि यहाँ पर इस डेप को मैं एक आईडी दे देता हूँ, और मैंने लिखा है यहाँ पर Demo 1, और मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया और कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है Demo 2 राइट। अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा है #Demo 1, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे इसकी हाइट फिक्स कर देंगे, तो हाइट में मैंने कितना कर दिया, हाइट में मैंने लिख दिया है यहाँ पर 70px, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैंने रख दिया है कितना, रेड, ठीक है, और इसकी अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो विड्थ मैंने कितने रख दिए यहाँ पे, तो विड्थ मैंने रख दी है सिंपल सा 10%, ठीक है, और सिमिलरली मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे पेस्ट किया, और इसे पेस्ट करने के बाद अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद मैं अपन हाइट तो उतनी ही रखेंगे, और इसको कितना कर देंगे यहाँ पे 90%, और इसका रेड से अपन क्या कलर कर देंगे, ग्रीन, क्लियर है? अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके मैं यहाँ पर आया, आप देखेंगे ये कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब फिर अगर मैं बात करें अब करना क्या है यहाँ पर अपने को, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर रेड कलर पे, और रेड कलर पर आने के बाद में मैंने क्या करा है, BORDER बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में मैंने क्या करा अब यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है 0px, फिर 0px, फिर 0px, और फिर 0px राइट, और अपन यहाँ पर आया, और यहाँ पर आकर मैंने कितना लिख दिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर 50, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, ये कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को आपको मिल रहा है, समझ में आया? ठीक है,
ये आपको कुछ इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें कि ये ऐसा तो देखने को आपको मिल रहा है ना, अब इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, है ना, और चीजों को अपन कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो अब आप यहाँ पर आए, है ना, और आपने इसे कॉपी किया, और कॉपी करके अब थोड़ा सा आपको चीजें मैनेज करना पड़ेगी, मतलब चीजें थोड़ी सी सेट ही करना पड़ेगी आपको कि अब अपन क्या करना चाह रहे थे यहाँ पर। अपन अब ये करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अब जैसे ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना, वो ऐसा कर्व था, है ना, अपन उस कर्व को इधर की साइड में घुमाना चाह रहे हैं। वो जो कर्व उधर की साइड था, अपन उस कर्व को इधर की साइड घुमाना चाह रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने बोला यहाँ पर एक काम और ये करते हैं अपन, एक काम ये और करते हैं कि ये जो दो डिप है ना, इन दोनों डिप के ऊपर मैं एक और डिप ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक और डिप लिया और इस डिप के अंदर मैंने यहाँ पे ये दो डिप को रख दिया, कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर ये जो बाहर वाला डिप है, इस डिप के ऊपर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर है ना क्या रख दिया यहाँ पे, येलो, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे गायब हो गया, अब ऐसा क्यों, कुछ गड़बड़ करी क्या हमने? मैंने यहाँ पर ये डिप लिखा और ठीक है, ये आपने सही तो लिखा है यहाँ पे, अच्छा आपने उस डिप की हाइट नहीं दी, आई थिंक हाइट अपन दे देते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है हाइट और हाइट में मैंने लिखा है 70px, एक सेकंड यार, यहाँ पर डेव लिखा, मैंने फ्लोट लेफ्ट लिखा, और यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको भी एक आईडी देते हैं यहाँ पर, आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सिंपली अपना डेमो 3, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, और इधर फ्लोट लेफ्ट और ये हाइट तो अपन ने लिख ली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आकर मैं करूंगा क्या, एक सेकंड यार, मैंने यहाँ पे जो हटाया है इसको वापस से रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा आईडी, और आईडी में मैंने लिखा यहाँ पे डेमो 3, राइट। अपन यहाँ पर डेमो 1 तो सेट है, डेमो 2 भी सेट है ना, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर बोला है कि डिव के अंदर फ्लोट लेफ्ट आना चाहिए, है ना, और बैकग्राउंड कलर कितना होगा यहाँ पर आपके पास में, तो बैकग्राउंड कलर आपको दे के रखा हुआ है यहाँ पर आपका सिंपली कितना येलो दे के रखा हुआ है ना। और अब मैं यहाँ पर आकर लिख रहा हूँ हैश, मैंने लिखा है डेमो 3, ठीक है, और इसमें मैंने क्या मेंशन कर दी है हाइट, और हाइट में मैंने लिख दिया है 70px, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर भी मैंने यहाँ से कट करके मैंने यहाँ पे लगा दिया है, देखते ही आ जाना चाहिए। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, क्या वेट तो मैंने लिखा 100%, ये ऐसा है ना, ये अपने ऐसा कुछ यहाँ पे सेट कर दिया, राइट। अब ध्यान से देखना इधर अपने वो करना क्या रहेगा यहाँ पर, है ना, तो ये मैंने डेमो 1 लिखा है ना, इधर से डेमो 1, इधर से मैंने डेमो 2 लिखा हुआ है, और ये अपन ने यहाँ पे चीजों का वैसा सेट किया है ना। अब अपन करने क्या वाले थे, तो अपन ये करने वाले हैं कि ये तो मैंने इधर से एक कर्व लिया, और अब ये जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है आपको, है ना, तो ग्रीन कलर की केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो ऊपर वाला तो वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना, फिर उसके बाद में इधर भी यहाँ पर आपका 0 ही रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कितना कर दिया है 50। आप देखेंगे यहाँ पर ये इस टाइप से कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, समझ में आया? अब ये ऐसा तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना, लेकिन अब आपको करना क्या है इसमें, है ना, इसमें अपन ये करना चाह रहे हैं कि अब ध्यान से देखना इधर मैंने करा क्या है यहाँ पर, तो मैं इधर आता हूँ, अपन कुछ गड़बड़ कर रही क्या, ठीक है, अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, मैं सिंपली यहाँ पे जो ग्रीन कलर है, ग्रीन की जगह मैं करता हूँ यहाँ पे रेड, ठीक है, और ये जो येलो है इसमें भी मैं करता हूँ क्या यहाँ पर रेड, और जो ये रेड है डेमो 1 का, मैं इसे करता हूँ यहाँ पर क्या व्हाइट, मैंने इसे सेव किया, अपन यहाँ पर आए और
ये ऐसा कुछ कराया अपन, है ना। अब ये जो ये बीच वाला जो कलर था ना, ये इधर वाली स्ट्रिप है ना, मतलब यहाँ पे ये देखो, ये अपन वापस आते देखो, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, सिंपली मैं बस इतना करना चाह रहा हूँ कि ये जो कर्व दिख रहा है आपको, है ना, वो इधर से आ रहा है कर्व और ये इधर से जा रहा है वो कर्व। मतलब अपन क्या करना चाह रहे हैं, सिर्फ अपन ये एक ऐसा कर्व फ्रेम करना चाह रहे हैं कि वो उधर से आ रहा है कर्व और इधर से जा रहा है कर्व, मतलब वो नीचे वाला पोर्शन भी अपने को क्या रखना है यहाँ पर, खाली रखना है। मतलब यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि जैसे ये वाला देखो, ये वाला कर्व दिख रहा है ना, ये कर्व दिख रहा है, ये यहाँ से ये कर्व ये ऐसा स्लेंट हो रहा है थोड़ा सा, अपन ऐसा चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा नीचे हो और ये वाला इधर की साइड चला जाए, यूं हमें वैसा कुछ करना है, समझ में आया। तो अब उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा यहाँ पर, तो उसके लिए हमें ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो डिव है, ठीक है, तो नीचे वाला जो कलर है वो कलर कौन सा करना पड़ेगा यहाँ पर अपने को, यहाँ पर ये कलर व्हाइट करना रहेगा और ये कलर क्या करना रहेगा यहाँ पर, रेड कलर करना रहेगा, ये कलर व्हाइट करना रहेगा और ये कलर क्या करना रहेगा यहाँ पर अपने को, रेड करना रहेगा, राइट। तो उस केस में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, तो उस केस में अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर है ना, या आप ऐसा बोल सकते हो कि इसके अंदर भी अब आपको क्या करना पड़ेंगे, दो डिव और बनाना पड़ेंगे, है ना, मतलब वो जो अंदर आप बैकग्राउंड में दो डिव और बनाएंगे और वो दो डिव के ऊपर फिर आपके ये दो डिव बनेंगे, मतलब आप सिंपली ऐसा बोले कि देखो यहाँ पर आपको ये जो स्क्रोल पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर है ना, ये मेरा जो पॉइंटर दिख रहा है, ये कर्व ऐसा जा रहा है, ये कर्व ऐसा जा रहा है, अब ये कर्व यहां तक आया और मुझे ये कर्व को सिंपली यहां से ये इधर स्लेंट में लेना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उससे बस मुझे ये जो इतना वाला जो ये पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, तो ये इतने वाले पोर्शन को मुझे यहाँ पर व्हाइट कलर में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो उस केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए आपको एक डिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो जो आपको एक डिव बनाना पड़ेगा, तो वो डिव आपको एक छोटा सा ही डिव बनाना पड़ेगा, छोटा सा डिव बनाना पड़ेगा, मतलब छोटा सा डिव बनाकर आप उसे रखेंगे, है ना, और उसके ऊपर फिर ये वाले डिव को आप यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करेंगे, समझ में आया कैसे क्या। आप अगर यहाँ पर आए, इधर देखना, आपने यहाँ पर ये तो आउटर डिव बनाया, फिर आपने यहाँ पर क्या बनाया है, ये आपने यहाँ पर ये डेमो वन बनाया, ठीक है। अब डेमो वन के बारे में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो डेमो वन तो आपने बना दिया है ना, अब डेमो वन तो मैंने बना दिया यहाँ पर, तो ये डेमो वन भी बन गया। अब डेमो वन के बारे में अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं कि अपन दो डिव बनाते है ना, और फिर इस डिव को उसके ऊपर लेकर आते, समझ में आया नहीं क्या, नहीं नहीं एक काम ऐसा करते, रुको एक डेव मैं बीच में बनाता हूँ यहाँ पर, इधर देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है डेव, मैंने यहाँ पे लिखा है आईडी, मैंने लिखा है यहाँ पर इसे डेमो फोर, कोई दिक्कत है ना, मैंने ये ऐसा लिखा। अब मैंने क्या करा है यहाँ पर, ये जो मैंने डेमो फोर बनाया है, इन दोनों के बीच में अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है हैश, मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो फोर, ठीक है। डेमो फोर के केस में मैं करूंगा क्या यहाँ पे, तो डेमो फोर के केस में मैंने यहाँ पे लिखा है, सिंपली अपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी विड्थ, और विड्थ को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, मैंने सिंपली लिख दिया है 40px या 50px, मैंने इतना विड्थ लिखा। मैंने क्या करा यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे ग्रीन, नहीं ग्रीन भी नहीं, अपन यहाँ पे क्या करते हैं ऑरेंज, मैंने ऐसा कुछ कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, हाइट, हाइट में मैंने कितना लिख दिया है 70px, ये ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, है ना। अपन अब क्या करेंगे, तो अपन अब ये वाले डिव पर आए, और ये वाले डिव पर आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट में मैं कितना करूंगा, -20px, ठीक है। अब आपने इधर कर दिया उसको, है ना। अब यहाँ पर आपको और क्या करना पड़ेगा,
डेमो टू की विड्थ में तो फिर बात वही हो जाएगी ना कि आप अगर उसको 80 कर दोगे तो अलग ही हो जाएगा ना, फिर मतलब ही क्या निकलेगा। ये तो इधर शिफ्ट हो गया ना, आपको तो उसके ऊपर लेकर आना है ना, आपको तो उस डेप के ऊपर लेकर आना है। मतलब आप अगर यहाँ पर इधर आए, आपने लिखा मार्जिन लेफ्ट, आपने लिखा मार्जिन लेफ्ट, लिखा मार्जिन लेफ्ट में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपने लिखा -20px, आपने इसे सेव किया, सेव करके अब आप क्या करेंगे, पेज के ऊपर आया, फिर से देखना है यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने करा -40, अपन फिर से इधर आए, मैंने क्या करा है यहाँ पर, फिर से कितना लिखा है -60, ठीक है, -60 थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं करूंगा -55, दे रहे। अब इसकी विड्थ अपन पूरी करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या 85, अब मैं इसकी फिर विड्थ बढ़ाता हूँ 88, मैं इसकी फिर विड्थ बढ़ाता हूँ कितनी 90, फिर विड्थ बढ़ाता हूँ अगर मैंने यहाँ पे करा है 91 पे बढ़ रहा है, बाहर नीचे निकल रहा है, तो मैंने 90 लिखा रहने दिया, ठीक है, यहाँ पे समझ में आया, ठीक है, ऑटो नहीं होगा वो शायद, विड्थ ऑटो नहीं जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर आ गए, इसमें कोई दिक्कत। अब देखना ध्यान से यहाँ पर, तो ये तो आपने ऐसा कुछ करा, ये आपको ऐसा दिख रहा है, अब बस अब आपको करना क्या है, तो वो देखो, ये जो आपको रेड दिख रहा है ना, इस रेड को तो आप क्या करोगे, या आप जो रेड दिख रहा है यहाँ पर, इस रेड को तो आप करेंगे यहाँ पर व्हाइट, ठीक है, तो जो येलो दिख रहा है उस येलो को क्या करेंगे आप यहाँ पे रेड, ठीक है, ये ऐसा हुआ। अब जो ग्रीन दिख रहा है ना, उस ग्रीन को भी आप क्या करेंगे यहाँ पे रेड, और जो ये ऑरेंज दिख रहा है उसको आप क्या करेंगे व्हाइट, आपको दिख रहा है, समझ आया क्यों ऐसा ही हूँ, कर्व आपको दिख रहा है कि आप साइड में यहाँ पे क्या लगा सकते हो, फिर कोई सा लोगो, समझ में आया क्या, है ना, आप उसको ऐसा कुछ करो, 70 करके देखो, ये थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो नीचे वाला जो है वो कर्व बाहर निकलेगा, है ना, आपको फिर उसको थोड़ा सा वैसे ही मैनेज कुछ करना पड़ेगा, तो वो आपका कुछ है ना वैसा ही रहेगा थोड़ा सा, क्या नीचे वाला भी ज्यादा, फिर वो इतना वो कर्व दिखेगा नहीं ना, ठीक है, नीचे वाला आपका कहाँ है, यहाँ पर आए, 255, ठीक है, तो आपको ये ऐसा थोड़ा सा अगर कर्व निकालना है, अभी ऐसा कुछ निकाल, ठीक है, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, आप कैसे क्या करते हो, कैसे क्या चीजें इंप्लीमेंट करते हो, राइट, ठीक है, रिस्क क्या का कंटिन्यू करते हैं अपन फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, राइट, और नेक्स्ट क्लास में फिर अपन क्या देखने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बॉक्स मॉडल का कंसेप्ट बताऊंगा, और बॉक्स मॉडल के बाद में फिर अपन CSS में भी फिर एक और पेज डिजाइन करेंगे, है ना, वेब पेज डिजाइन करके देखेंगे और भी नई फंक्शनलिटीज के साथ, राइट, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।